नमस्कार, द नगरी न्यूज के खास प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है और मैं हूँ प्रियंका। नवरात्रि का त्योहार 9 दिनों तक चलता है। इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की उपासना की जाती है। नवरात्रि का पहला दिन माँ दुर्गा के शैलपुत्री स्वरूप को समर्पित है। पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री रूप में उत्पन्न होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। नवरात्र पूजन में पहले दिन इनकी उपासना का विधान है। इस दौरान सर्वप्रथम घट स्थापना की जाती है और फिर माँ दुर्गा का आह्वान, स्थापन और प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। तदुपरांत माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। राजा दक्ष की पुत्री देवी सती का पुनर्जन्म शैलपुत्री यानी कि हिमालय की पुत्री के रूप में हुआ था। उनके दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में एक गुलाबी कमल है। उनके माथे पर अर्ध चंद्र शोभायमान है। उन्हें वृषभ रूढ़ा भी कहा जाता है क्योंकि वे वृषभ पर आरूढ़ है। ये माँ दुर्गा का प्रथम स्वरूप है। माँ शैलपुत्री के दाएं हाथ में डमरू और बाएं हाथ में त्रिशूल है। देवी का वाहन बैल है। माता शैलपुत्री मूलाधार चक्र की देवी मानी जाती है। माता शैलपुत्री योग की शक्ति द्वारा जागृत कर माँ से शक्ति पाती है। दुर्गा के पहले स्वरूप में शैलपुत्री मानव के मन पर नियंत्रण रखती है। चंद्रमा पर नियंत्रण रखने वाली शैलपुत्री उस नवजात शिशु की अवस्था को संबोधित करती है जो निश्चल और निर्मल है और संसार की सभी मोहमाया से परे है। देवी शैलपुत्री महादेव की अर्धांगिनी पार्वती है। ज्योतिषी मान्यता के अनुसार माँ शैलपुत्री चंद्रमा के दोष को दूर करती है। जिन लोगों का चंद्रमा कमजोर है, मन अशांत रहता है, वैसे लोगों को माता के शैलपुत्री स्वरूप की आराधना करनी चाहिए। देवी शैलपुत्री की उपासना से चंद्रमा के सभी दोष दूर हो जाते हैं। शैलपुत्री का अर्थ होता है पर्वत की बेटी। सती के देह त्यागने के बाद उन्होंने अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया और शैलपुत्री कहलाई। माँ को अक्षत, सफेद पुष्प, धूप, दीपक, दीप, फल, मिठाई चढ़ानी चाहिए। अब आपको बताते हैं माँ शैलपुत्री का प्रसाद। माँ शैलपुत्री के चरणों में एक गाय का घी अर्पित करने से भक्तों को आरोग्य का आशीर्वाद मिलता है, जिससे व्यक्ति का मन एवं शरीर दोनों ही निरोगी रहता है। माता शैलपुत्री को पूजा में सफेद पुष्प और सफेद प्रसाद चढ़ाया जाता है। आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।